पानी में रह गई, वापस चलो वहाँ। वहाँ किसी और वक्त चलेंगे शहजादे। वो देखिए आपके लिए क्या मंगवाया है। नूरे नजर आंख से दूर सही, दिल से कहां जाएगा। जहां शमा होगी परवाना वहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता शहजादी, ये नामुमकिन है। ऐसा मत कीजिए। चाहे आखिरी बार ही सही मिलना चाहती हूं मैं। ये जाकर सिपाहियों को दे दो ताकि उनकी जबानें और आंखें अंधी और गूंगी हो जाएं। बहुत अच्छी लगती हैं। प्यारे शहजादे, अब आप अपनी वालिदा के पास जाइए, मुझे थोड़ा काम है। वालिदा मेरी शादी कब होगी? फारिया की जब पहली शादी हुई थी तब वो मुझसे कुछ साल ही बड़ी थी। मेरी प्यारी दिलरुबा, अभी तुम बहुत छोटी हो। इंशाल्लाह वक्त आने पर हमारा रब हमें वो दिन जरूर नसीब करेगा। मेरे शेर आ जाओ मेरे पास। फारिया शहजादी कैसी है? बागीचे में उनकी दरवेश आगा से बात हुई मगर ज्यादा देर नहीं रुकी, वो शायद शर्मा गईं। मुस्तफा क्या कर रहे हो? इसे पानी से निकालो, पानी गंदा हो रहा है। मिनिक्षे, शहजादी अभी खेलने का वक्त मुनासिब नहीं है। दिलरुबा जाओ अपने भाई के साथ खेलो जाके। मनिक्षे। जी मलिका। कहा करती थी ना हमेशा कि खुशनसीब हूं मैं बहुत। फारिया ने एक आशिक पाल रखा है हमसे छुपके, और जानती हो वो कौन है? मेरे जानी दुश्मन शाहीन गिराए का भाई मेहमत गिराए। कहाँ है वो रास्ता, तुम जानती तो हो ना? हाँ ठीक है, आज भागना नहीं है, सिर्फ देखना चाहती हूँ।
ये दरवाजा कैसे खुलेगा? तुम्हें नहीं पता? तो फिर ये कैसे खुलेगा? कौन? बाहर से कोई खोलेगा? शाइस्ता, तुम यहां कैसे आई? मैं जानती हूं कि तुम भागना चाहती हो। तुम डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं मकरूस हूं तुम्हारी, क्या करोगी एतबार मुझ पर? चलो, काफला तैयार है, फौरन जाओ। चलो चलो, सिकंदर तुम रुको। तुम इनके साथ नहीं जाओगे सिकंदर, बल्कि महल जाओगे। बादशाह सलामत ने तुम्हें ले जाने के लिए आदमी भिजवाए हैं। आज से तुम बादशाह सलामत के करीब रहोगे सिकंदर। यह मौका हर किसी को पूरी जिंदगी नहीं मिलता। इंशाल्लाह तुम इसको अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक दिन अपनी छावनी और जानशीनों की इज्जत और एहतराम का बायस बनोगे। याद रखना। खुश आमदीद कासिम पाशा, हम सबको आपके इस मनसब पर वापसी की बहुत हैरत है। बादशाह सलामत ने यही मुनासिब समझा पाशा। इसका मतलब है उन्हें महसूस हो गया कि मुझ जैसा दूसरा कोई तजर्बेकार नहीं है। यह आका का मकतूब है। कल रात उन्होंने मुझे खलवत खास में बुलवाकर सुनाया था। आप लोग भी जान लें तो अच्छा है। यकीनन कोई खास फरमान होगा, खैर होगी इंशाल्लाह। अबू सटरिया में जो जंग हो रही है वो फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी। सालहुन की तरफ से तमाम सिपाहियों को अनातोलिया की तरफ बुला लिया जाएगा और इस तरह याउज अली पाशा और साल्ट के सरदार यूजुमुराद पाशा जलाली लुटेरों की जानिब बढ़ना शुरू करेंगे। हमारे आका के ख्वाब बहुत आला है माशाल्लाह। नजर आ रहा है अल्लाह हमारा अंजाम खैर का करे। अगर उन्होंने जिद कर ली कि फौज की सिपे सालारी वो करेंगे तो आका आपने याद किया मुझे। इस गद्दार को फौरन यहां से ले जाओ। ये क्या कर रहे हैं मेरे आका? आपने मुझे फरमान भेजा था कि आपने दोबारा मुझे मेरे पुराने ओहदे पर बहाल कर दिया है। वजीफे पे बहाल करके मैंने अपना वादा पूरा किया और अब तुम्हारे कत्ल का फरमान दे रहा हूं। रहम कीजिए आका, गलती हो गई थी मुझसे, माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। इबरत का निशान बनाने के लिए इसे जल्लाद चश्मे में डाल दो। हाफिज अहमद पाशा, मैं आपको सदारत के ओहदे पर बहाल करता हूं। आपका फरमान हुक्म। जिगरजादे पाशा, मैंने साठ के सरदार सिनान पाशा को वापस बुलवाने के लिए फरमान भिजवाया है और उनकी जगह आपको वहां भेज दिया जाएगा। जो हुक्म मेरे आका। और आपकी जगह आज से कप्तान दरिया दरवेश पाशा होंगे। मेरे आका, जो हुक्म। दरवेश दीवान में दाखिल हो ही चुका, लिहाजा शहजादी फारिया से शादी बेमायने। एक दफा फैसला हो चुका है, अब कैसे मना कर सकते हैं?
वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए मलिका। दरवेश पाशा। मलिका मुबारक हो, दीवान में शामिल हो ही गए। आले उस्मान की इस अजीमुशान सल्तनत के कप्तान दरिया बन गए। हमारे आका को यही मुनासिब लगा। अब तो बहुत जल्द तुम इस खानदान के दामाद भी बन जाओगे। रास्ते में अब कोई दीवार नहीं। हुकूमत तुम ही चलाओगे। हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ हमारे आका ही चलाते हैं, और मैं नाचीज बस एक गुलाम हूं जो उनकी ताकत बढ़ाऊंगा। ये बात दुरुस्त है, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो दरवेश, ताकत खतरनाक हो सकती है। हर इख्तियार जो तुम्हें मिलेगा, हर मकाम, वो सिर्फ तुम्हें अमीर नहीं करेगा बल्कि मौत के करीब करेगा। दरवेश का चेहरा देखना चाहती थी मैं। शादी के सारे ख्वाब टूट गए। मैं तो शहजादी फारिया का चेहरा देखना चाहती हूँ। दुनिया की तो खबर ही नहीं उन्हें, वो जाने ही वाली होंगी अपने आशिक से मिलने के लिए। बेचारी, उनकी आखिरी मुलाकात होगी ये। बहुत जल्द महमद गराई का सर कलम कर दिया जाएगा। यूं शाहीन गराई देख लेगा कि भाई का दुख होता क्या है। जलाली वालों, मैं कहा था ना दोबारा मिलेंगे हम। पहाड़ों में रहने से तुम्हारी अक्ल भी कम हो गई है कारा सईद। तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मैं खुद आया हूं यहां पर। तो तुमने अपनी जान पर रहम किया कि खुद आ गए। मुझे जनाब कलंदर ओलू के पास लेकर चलो। जो हुक्म आपका खानसादे। ये अमीर लोग तो होते ही ऐसे हैं, इंसान को नहीं देखते बल्कि उसके लिबास को देखते हैं। क्या तुम्हें हैरत हुई खानजादे? यहां गुलाम नहीं होते और ना ही दामन या हाथों को चूमा जाता है। हाँ, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो आकर चूम सकते हो। इसकी मुनासिब कीमत कर लीजिए। नहीं हो सकती, मिस्र से मंगवाया गया है। आई आई कालीन देख लीजिए, आई बहुत ही मुनासिब दाम में कालीन दस्ती है। अभी आप
पर है और मैं भी यहां हूं, यही हमारी उम्मीद है। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और जब तक हम साथ हैं हमारी मोहब्बत में कोई हायल नहीं हो सकता। तख्त की तरफ जाने से तुम्हें कोई भी रोके, याद रखना ऐसा ही अंजाम होगा उन लोगों का भी। अनातोलू में बहुत ज्यादा चलाली रईस है, कई हजार फौजी भी हैं उनके पास, और वो छापा मार कार रफायों में मसरूफ भी हैं। लेकिन अगर उन्हें छोटी छोटी फतूहत हासिल होती भी रहे तो भी बड़ी फतेह तक पहुंचना नामुमकिन है, बिल्कुल आपकी तरह। तो तुम्हारा क्या मशवरा है? एका कर लीजिए, एक होकर आगे बढ़ते हैं, मंजिल होगी पाया है तख्त। मैं तैयार हूं, फौरन चलते हैं। तवील अहमद, उनके भाई तवील मेहमत और बेटे बालदरी कसा, दरख्तों को खुदा समझने वाले और कब्रों की हकीकत न जानने वाले मोसलू जावस, और इसके अलावा बाकी सब, सबको खबर भेज दी है मैंने, कई तो कबूल भी कर चुके हैं, बस मेरे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। अगर पाया तख्त की तरफ बढ़े तो पूरी फौज बादशाह के इर्द गिर्द जमा हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अगर उन्हें कोई बादशाह मिलेगा तब ना। शहजादे मुस्तफा भी हैं। ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, अगर हमारे बीच समझौता हो गया तो उन लोगों को संभाल लिया जाएगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, शाहीन गिराए तुम्हें क्या मिलेगा ये सब कुछ करने पर? तख्त पर मैं बैठूंगा। तुम इस उजड़े हुए हुलिये में भी आका की चहेती बन गई हो ना, कमाल कर दिया तुमने भाई, कमाल कर दिया। कितना नर्म है ये, खास रेशम से बनवाया गया है। उठाने में कितना हल्का है लेकिन कीमत में भारी। लो, क्या हो गया, इसे खोला क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह, जो मर्जी आए करो।
एलेक्जेंडर। अनस्तासिया, क्या किया इन्होंने तुम्हारे साथ? मुझे यहां बंद करके रखा गया है अलेक्जेंडर। कितनी दफा भागने की कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन तुम कहां थे? बहुत कोशिश की आने की मैंने, तुम्हें ढूंढने की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। लगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। अब तो देख लिया ना, यहां पर हूं, जिंदा हूं। कुछ ही देर बची है एलेक्स, जल्द भाग जाऊंगी मैं। ये क्या है? तुम मदद करोगे मेरी भागने में? दरवाजा तुम खोलोगे? मेरे आका, मैं दरअसल यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी, यानी इस तोहफे के लिए। ये कौन है? मैंने पूछा तो कुछ कहा नहीं और मेरी तरफ देखा भी नहीं। सिकंदर है ये, जानशीन गुलामों में से नौसिखिया लड़का। हम तलवार चलाने की तरबियत ले रहे हैं। सिकंदर, अनस्तासिया, मेरी नूरे नजर। तुम हरम वापस जाओ, अब तरबियत का वक्त है हमारा। मुझे वो ही मिल गया है कोलके, जिसने जंगल में बचाया था मुझको। एलेक्जेंडर, वो खोलेगा बाहर से दरवाजा हमारे लिए। गोलके, मुझे मिलना है उससे, फिर मालूम नहीं दोबारा उसे कब देख पाऊं मैं। माँ पैकर, मैं भागने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जैसा तुम चाहो वैसा होगा। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। और एक बात और शायस्ता, ना तुमने कुछ देखा ना सुना, समझ आ गया ना तुम्हें? जल्दी हार नहीं मानते मेरे आका। हार नहीं मानी मैंने। आज ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो मेरा छोटा भाई मुस्तफा भी हराते का। माफ कर दीजिए मेरे आका, आज ध्यान कहीं और है शायद। मेरे आका, एक बात है जो आपके इल्म में होनी चाहिए। तुम छावनी वापस चले जाओ सिकंदर, हम तुम्हें जल्द फिर बुलाएंगे। इधर आओ अनस्तासिया। खामोश रहो,
वक्त नहीं है, बात सुनो। तुम्हें याद है ना जिस दिन मैंने तुम्हें ये डोरी दी थी, एक वादा किया था तुमने मुझसे। मुझे याद है तुम्हारा वादा। अब वक्त आ चुका है वो वादा पूरा करने का एलेक्जेंडर। तुम भागने में मेरी मदद करोगे? ये कैसे करूंगा मैं, क्योंकि तुम तो आका की नूरे नजर हो। मैं किसी की कुछ नहीं हूं। ए लड़के बात सुनो, यहां क्या कर रहे हो अभी तक? जाओ यहां से जल्दी। बस आ रहा हूं मैं। हाँ आ रहा हूं। क्या करना है मुझे जल्दी बताओ। कौन है आप बताइए, कौन है आप? आपकी बेटी हूं मैं। सिर्फ हमारी नहीं है बेटी, मरहूम बादशाह सुल्तान मुराद खान की बेटी भी हैं। आपकी रगों में खानदान आले उस्मान का खून बहता है, शायद आप ये भूल गई। हद हो गई है, बाजारों में जाती रही छुपके और वहां हमारे गुलामों को महसूस करती रही। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदगी हो। हमने बस एक दूसरे को चाहा है और सिर्फ यही हमारी गलती है। आपने हमें नाउम्मीद किया फारिया। आपकी गलती बहुत बड़ी है और इसकी सजा इतनी ही बड़ी होगी। मैं तैयार हूं वालिदा, चाहे तो कैद कर दे मुझे या किसी से भी मेरी शादी करवा दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन खुदा के लिए महमूद गिराए को बचा लीजिए। जाकर आका से बात कीजिए, उन्हें रोकिए। मैं जानती हूँ कि वो आपकी बात को हरगिज रद्द नहीं करेंगे। मैं आपसे उनकी जान की भीख मांगती हूँ वालिदा। वदूदा खातून, शहजादी फारिया को इनके कमरे तक लेकर जाओ। महल से बाहर जाना तो दूर की बात है, ये बागीचे के करीब भी नजर ना आए। मेहमत किराए, तुम आले चंगेज यानी उस खानदान से ताल्लुक रखते हो जो हमारे दोस्त हैं, और ये दोस्ती कई नस्लों से चली आ रही है। हमने तुम्हें अपने साथ बिठाया, अपने साथ खाना खिलाया, और तुमने हमारे ही घर पर नजर रखी। हरगिज नहीं मेरे आका, इस तरह आपके सामने मैं शर्म महसूस कर रहा हूं। अच्छा, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म होती तो ऐसी हरकत करने का सोचते भी नहीं। मेरी जुर्रत को माफ कीजिएगा आका, लेकिन मेरे मासूम जज्बात के अलावा मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपकी शान में गुस्ताखी हो। मैं तो शहजादी का हाथ मांगने आया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उनका निकाह। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है बोलने की? तुमने सोच कैसे लिया कि तुम शहजादी का हाथ मांग सकते हो? इसे ले जाओ यहां से फौरन, और ले जाके जन्ना में डाल दो। इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। आका, 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 रेहान आका, मुझे जिंदान में डाल रहे हैं, शाहीन को खबर कर दो। ले जाओ इस गुस्ताख को फौरन। छोड़ो। दरवेश पाशा, इस हादसे को आका के सामने बयान करने से पहले मुझे खबर कर देते। क्या तुम्हें खबर करना लाजिम था? जी बिल्कुल, यहां पर बात हमारे खानदान के इज्जत की है दरवेश पाशा।
किस खानदान की इज्जत की बात कर रहे हो रेहान आगा? खानदान आले चंगेज की? बोलो, महमद की तो कब्र खुद गई और शाहीन गराए की भी आकबत दूर नहीं। बेहतर होगा तुम अपने लिए सही रास्ता मुंतखिब कर लो। तुम्हारी होने वाली जौजा तो बड़ी बेवकूफ निकली। मुझे तो महमद किराए पर हैरत है। इतनी हिम्मत कहां से आई उसमें कि शहजादी फारिया से मोहब्बत कर बैठा? तख्त का लालच इंसान से बहुत कुछ करवा सकता है। ये मोहब्बत महज एक धोखे का नाम है। मगर हैरान हूं यह हुआ कैसे। हलीमा सुल्ताना पे शक है मुझे। गिराए बरादरान से उनकी दुश्मनी सभी जानते हैं। हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। इस वक्त आप पे एक बात वाजह कर देना बहुत जरूरी है कि इस शादी का ख्वाहिशमंद नहीं हूं मैं, क्योंकि कप्तान दरिया का दिल कहीं और है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई दरवेश, तुमने ये बात वाजह कर दी। यही उम्मीद थी। काली पट्टी वाले रात गए, हिफाजत के लिए यहां लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। सिकंदर, तरबियत कैसी रही? उम्मीद है कि सर झुकाने वाली कोई गलती नहीं की होगी तुमने। कोई खास तरबियत नहीं हुई जुल्फिकार आगा, आका फौरन कहीं चले गए थे। ठीक है फिर। जुल्फिकार आगा। हाँ बोलो। मैं कब तक जानशीन बन जाऊंगा? यह तो तुम पर मुनासिर है। जब तुम पक जाओगे सिकंदर उस वक्त, क्योंकि पका हुआ फल ही खाने में मजा देता है। खुशामदीद मलिका, उम्मीद है सब खैरियत होगी। थोड़ी देर पहले मैंने मरहूम मुराद खान को आंखों में देखा आपकी, उसके बाद आपके वालिद आका महमद अपने महमद को देखा सामने, और फिर सबसे ज्यादा सुल्तान सुलेमान से मिलते हैं आप। अल्लाह जन्नत बख्शे उनको। आमीन आमीन। आपने सुल्तान सुलेमान खान को पहली बार कब देखा था? उस वक्त हम 15 साल के थे, मेहरमा सुल्ताना की कनीजों में से थे। क्या हसीन इत्तफाक था कि वहां खुद बादशाह सलामत तशरीफ लाए। हमें उस दिन उस मुबारक चेहरे को देखने का शर्फ नसीब हुआ। वही ताकत, वही वलवला नजर आता है आप में। इंशाल्लाह बहुत अच्छे हुक्मरान बनेंगे। आमीन। अब हमें एक और मुश्किल का सामना है। फारिया से जो नाकाबले माफी गलती हुई है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बात खानदान आले उस्मान की है। हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई कदम उठाना ही है, वो भी जल्द। हमें लगता है तुम शहजादी फारिया को बहुत खुश रखोगे। खुश तो मैं तभी रख सकूंगा जब शादी के लिए वो खुद राजी होंगे। जिसके लिए वो खुद रजामंद नहीं, उस शादी को कैसे कबूल कर सकता हूं मैं? आप एक जालिम और बेरहम बादशाह हैं। शहजादी को इनके कमरे में ले जाए
और मैं चाहता हूं कि ये सुबह अपने इश्क का कला घुटता जरूर देखें। मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मौत का सबब किसी के समझ ना आए और सब उसे एक नाकहानी की तरह कबूल कर लें। मेरे आका, मैं हमेशा से आपको बताना चाहती थी लेकिन डरती थी तुम्हारे बाबा का कातिल और हकीम साहब को मारने वाला रेहान आ गया है। कल हमेशा के लिए हम एक हो जाएंगे। नहीं, दरवाजा खोलो शहजादी। नहीं, हर किसी ऐसा ना कीजिएगा।